कल नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 14 अगस्त को, और उन्होंने फरमाया कि जी मुझे डर है कि कहीं 71 जैसा इस मुल्क में दोबारा कोई वाकया ना पेश हो जाए, मुझे डर है कि कोई मशरकी पाकिस्तान जैसा इस मुल्क में दोबारा कोई वाकया ना पेश हो जाए, मुल्क कहीं दो लख्त ना हो जाए। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सारी बातें सुन के कि बंदा कोई सोच भी कैसे सकता है इस तरह से, कोई मुहिब्बे वतन शख्स इस तरह की बात सोच भी क्यों कैसे सकता है। अब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझ समेत और भी कई पाकिस्तानी हैं जिन्होंने कुछ इसका मतलब, इसके मकासद अखज़ किए, जो मैं पाकिस्तानियों की, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं उनकी तर्जुमानी करते हुए मैं आपसे आपको बताना चाहता हूँ कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि जी अगर मैं दोबारा बहाल नहीं हुआ किसी भी तरह तरीके से, जो कि नामुमकिन है, या अगर मैं दोबारा हुकूमत में नहीं आया तो मुल्क टूट जाएगा। आप कौम को धमकी दे रहे थे कल, मुझे तो ऐसा ही महसूस हुआ कम से कम, कि आपने कल पाकिस्तानी अवाम को धमकी दी कि अगर मैं दोबारा हुकूमत में नहीं आया, अगर अगर हमने आइन में तरामीम नहीं की, अगर मुझे बहाल नहीं किया गया तो पाकिस्तान दो लख्त हो जाएगा। मैंने एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मतलब अखज किया, और मुझ समेत कई पाकिस्तानियों ने यही मतलब अखज किया। अब उन्हीं पाकिस्तानियों की, उन्हीं मुहिब वतन पाकिस्तानियों की तर्जुमानी करते हुए मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे और मुझ समेत कई पाकिस्तानियों को ऐसा महसूस हुआ कि कहीं आपके दिमाग के किसी कोने में कोई ऐसी बात तो नहीं आ गई कि जी अगर मुल्क को तोड़ दिया जाए, क्योंकि अब आपको पता है जी आप पूरे पाकिस्तान को कम से कम अब मुस्तकिल बेवकूफ नहीं बना सकते, तो अब आपके दिमाग में कहीं ये बात तो नहीं आ गई कि यार मैं मुल्क के अगर टुकड़े कर दूं और पंजाब को अलग कर लूं, और तो हम यहाँ के बादशाह बन जाएंगे, हम यहाँ की रॉयल फैमिली बन जाएंगे और हमें कोई तंग करने वाला नहीं होगा, कोई इस तरह का सेटअप आपके दिमाग में तो नहीं आया? क्योंकि अब आपको पता है आप जिंदगी भर काउंसलर भी नहीं बन सकते, वजीर आजम तो बहुत दूर की बात है। तो अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी बात है तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे भाई अपनी इस बनाई हुई, अब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, डैश की जन्नत से बाहर आ जाए मेहरबानी करके। देखें पाकिस्तानी अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया, वो आपको अच्छी तरह अंदाजा हो गया, आपको अपनी रैली देखकर भी अंदाजा हो गया, और फिर 13 अगस्त की रात को इमरान खान ने शेख रशीद का जलसा देखकर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल जरूरत थी उजाले की अंधेरा कर दिया तुमने, जरूरत थी उजाले की अंधेरा कर दिया तुमने, के लफ्ज़ रहनुमाई को भी गुमराह कर दिया तुमने।